प्रिय बच्चों, आज मैं आपको हमारे दीनू काका इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। पहले देखिए मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, दीनू काका कौन थे? तो दीनू काका सोसाइटी के माली थे। दूसरा, बगीचे का क्या नाम था? बगीचे का नाम था हमारा उपवन। तीसरा प्रश्न, शाम के समय बगीचे में रौनक क्यों होती थी? इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, शाम के समय बगीचे में रौनक इसलिए होती थी क्योंकि बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं वहां आकर कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते थे। ठीक है, तो फिर से एक बार उत्तर सुनिए। शाम के समय बगीचे में रौनक इसलिए होती थी क्योंकि बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं वहां आकर कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते थे। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, सेठ को दीनू काका पर गुस्सा क्यों आया? सेठ को दीनू काका पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने 2 महीने से उनके घर का किराया नहीं दिया था। क्योंकि उन्होंने 2 महीने से उनके घर का किराया नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनू काका के घर के पास किसका घर था? तो दीनू काका के घर के पास ऋषभ और श्रुति का घर था। अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आप देखिए। पहला प्रश्न है, सोसाइटी के लोग दीनू काका को खाना क्यों देने जाते थे? सोसाइटी के लोग दीनू काका को खाना इसलिए देने जाते थे क्योंकि दीनू काका अकेले थे, उनके घर में उनका कोई नहीं था, साथ ही साथ वे बीमार थे। ठीक है, दूसरा, सेठ के बारे में किसने दीनू काका से पूछा? सेठ के बारे में निशी ने दीनू काका से पूछा। अगला प्रश्न, संभव ने टोली के सामने क्या प्रस्ताव रखा? तो संभव ने अपनी टोली के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि सब अपना अपना या अपने अपने जेब खर्च से दीनू काका के घर का जो बचा हुआ किराया था वह चुकाएंगे। तो बच्चों ने यही सोचा था, संभव ने बच्चों के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि सभी अपना अपना जेब खर्च लेकर आएं और वे अपने अपने जेब खर्च से दीनू काका का के घर का किराया चुकाएंगे। अगला प्रश्न, दीनू काका पर सेठ का कितना किराया निकलता था? तो दीनू काका पर सेठ का 2 महीने का किराया 3,000 रुपये निकलता था। तो ये सारे हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों एक बात सुन लो कि जब तक आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा तब तक आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से न समझ पाइएगा न लिख पाइएगा, क्योंकि प्रश्न को देखकर कहानी के आधार पर आपको अपने से आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बच्चों के पास कितने पैसे थे और वे उन्हें कहां से मिले? बच्चों के पास 2700 रुपये थे, 2700 2700 रुपये थे जो उन्होंने अपने अपने जेब खर्च से इकट्ठा किया था, या ये पैसा उन्होंने अपने जेब खर्च से पाया था, ये इसका उत्तर है। दूसरा,
दीनू काका का चरित्र कैसा था? उसके चरित्र में तीन बातें आपको लिखनी होंगी कि दीनू काका सबसे पहले तो बहुत भले इंसान थे। वे अकेले थे, अकेले थे मतलब न उनकी पत्नी थी न उनका कोई बच्चा था। तीसरी बात, उनके चरित्र के बारे में आप लिखिएगा कि वे बड़े मेहनती थे और उन्होंने अपनी मेहनत से सोसाइटी के उपवन की के पेड़ पौधों को हरा भरा करके रखा था, सोसाइटी के उद्यान को सुंदर बनाकर रखा था। तो ये तीन बातें उनके चरित्र के बारे में जब आप लिखेंगी तो इन्हीं तीन बातों के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न, अंत में सेठ क्यों शर्मिंदा हो गया? सेठ अंत में लज्जित क्यों हुआ? लज्जित होने का कारण, पहली बात कि बच्चे उससे बार बार आग्रह कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि वे दीनू काका को घर से न निकाले। और दूसरी बात, बच्चों ने दीनू काका का जो बचा हुआ किराया था उसे देने के लिए अपने अपने जेब खर्च दिए थे। अपने अपने जेब खर्च लाकर उन्होंने 2700 रुपये सेठ को जब दिए तो सेठ बच्चों का दीनू काका के प्रति प्रेम देखकर शर्मिंदा हो गए। तो ये आपके सारे प्रश्न हुए और इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेना है, ठीक है।